हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर टू ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? तो कंसाइनमेंट अकाउंट का हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर वन में कंप्लीट कर दिया है और उसका वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। और अगर आपको वो इंट्रोडक्शन देखना हो तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन वन, जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट का आपका इलस्ट्रेशन वन है। फर्स्ट स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। तो आपको मैं बता दूं, अगर कंसाइनमेंट का सम हम कर रहे हो तो टोटल कितने टाइप के अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले जो अकाउंट बनेगा वो आपका होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं आपको और भी डिटेल से समझाऊंगा जब हम सम करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कितने अकाउंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये जनरल एंट्री का आपका फॉर्मेट पहले आप बनाओगे, सेकंड कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, सेकंड आपका रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, थर्ड आपका जो रहेगा वो रहेगा कंसाइनी का अकाउंट, फोर्थ जो रहेगा वो आपका होगा गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट अकाउंट। फर्स्ट आप ये कह रहे कि जनरल एंट्रीज रहेंगी। एग्जाम में जनरल एंट्रीज रेयरली पूछी जाती है। आपको बेसिकली यही डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर सबको सोल्व करना होता है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा फिर भी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल तरीके आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसाइनमेंट का मीनिंग यही होता है कि सपोज करिए कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है जो कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब एबीसी लिमिटेड जो कि कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है वो गुजरात में करती है। नाउ दे डिसाइडेड टू सेल इन मुंबई मार्केट। मुंबई मार्केट में उन्हें पता है कि कैलकुलेटर की डिमांड है, पर दे डोंट नो द रिटेलर्स। उसे नहीं पता रिटेलर्स कहाँ है। तो वो क्या करती है, एबीसी लिमिटेड एक मुंबई में कोई पर्सन को हायर कर देती है, मीन्स के एज एजेंट हायर कर देती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें कैलकुलेटर्स बेच रहे हैं, कुछ समथिंग 5,000 या 10,000 लोड बेच रहे हैं, आप वो मुंबई में हमको सेल करके दो और उसके बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा ऑन सेल, एंड कमीशन विल बी ऑन परसेंटेज ऑन सेल। क्लियर? तो फिर जो ये मेथड हुआ, अब मुंबई में जो भी पर्सन होगा, सपोज करो कि कोई ए पर्सन है, वो अभी एबीसी लिमिटेड की कैलकुलेटर बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है, तो ये मेथड को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं? इस तरह के मेथड को कंसाइनमेंट कहते हैं। अब जिसने भी ये कंसाइनमेंट बेचा वो होगा कंसाइनर। तो यहाँ पे एपीसी लिमिटेड क्या हो गया आपका कंसाइनर, और जिसको भेजा जैसे कि ए पर्सन है वो हो जाएगा आपका कंसाइनी। तो क्लियर, आप यहाँ पे समझ चुके हो कंसाइनर क्या, कंसाइनी क्या और कंसाइनमेंट मतलब क्या। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं कि आपको ये जो चैप्टर है विदाउट जनरल एंट्रीज नहीं समझ में आएगा। तो ये लेक्चर टू में मैं जनरल एंट्रीज करवा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि पूरा मेथड चलता कैसे है, पूरा ये चैप्टर चलेगा कैसे। पहले गुड्स से आएंगे, फिर उस गुड्स के ऊपर खर्चे होंगे, ठीक है, क्या होगा, सपोज करो एबीसी लिमिटेड है, क्लियर, वो पहले गुड्स मुंबई में जो ए पर्सन है वो डीलर को गुड्स भेजेगा, तो क्या एंट्री आएगी। अब एबीसी लिमिटेड जब ए को गुड्स भेजेगा फॉर सेल, ठीक है, इन इस एरिया,
तो उसके ऊपर पैकेजिंग्स के खर्चे आएंगे, फ्रेट आएगा, वेजेस आएंगी, तो ये तरह के खर्चे होंगे। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? उसके बाद जब ए के पास गुड्स आ जाएंगे, फोर्स है, तो ए भी अपने गोडाउन में गुड्स रखेगा अगर ज़्यादा हुए, फिर एडवर्टाइजमेंट के खर्चे करेगा वहाँ पे, जैसे सेल प्रमोशन करेगा अपना कि सेल हो अच्छे से और जल्दी हो, स्टाफ होगा तो स्टाफ को सैलरी देगा, तो ये सारे खर्चे भी जो ए करेगा उसके जनरल एंट्रीज करेगा, फिर वो वसूल भी करेगा एबीसी लिमिटेड से, क्योंकि वहाँ पे ए सिर्फ कमीशन बेस काम करेगा, ठीक है, और एबीसी लिमिटेड प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी खर्चे होंगे वो जो प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा है जैसे कि एबीसी लिमिटेड, उसे बेयर करने पड़ेंगे, क्लियर। तो इसकी जनरल एंट्रीज भी किस तरह से आएंगी, फिर लास्ट में जो भी सेल हो जाता है वो सेल से जितना भी पैसा ए को मिलेगा वो एबीसी लिमिटेड को रिटर्न कर देगा अपना कमीशन काट के। तो कमीशन की एंट्री भी किस तरह से होगी वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो होपफुली आप समझ चुके हो कि पूरी पिक्चर क्या रहने वाली है ये चैप्टर की, और रूटीन वही वही रिपीट होने वाला है। तो अच्छे से आप ये सब देखिए जो मैं आपको इलस्ट्रेशन वन करवा रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशन वन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अनूप फर्नीचर मार्ट अहमदाबाद का सेंट 40 स्टील कवर्स कॉस्टिंग ₹4,000 ईच। अब सेंट आ गया यहाँ पे, मीन्स के अनु फर्नीचर मार्ट है वो कंसाइनर हो क्या, कंसाइनर है, कंसाइनमेंट बेच रहा है किसको, पावर ब्रोस को, जो कि पावर ब्रोस आपका क्या हो गया, कंसाइनी। द कंसाइनी वेयर टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। अब कंसाइनी को कमीशन कितना मिल रहा है, 5% ऑन सेल, इतना उसको कमीशन मिलेगा। दे एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹90,000 एट 3 months एडवांस, द कंसाइनर डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली एट 12% पर एनम। काफी कबार क्या होता है, ऐसे टर्म्स होते हैं कि कंसाइनी है वो एडवांस में बिल दे देता है एज ए सिक्योरिटी कि भाई आप एडवांस में इतना रख लीजिए कोई सिक्योरिटी के रीजंस के पर्पज, उनके जो टर्म्स रहेंगे। लेकिन कंसाइनर को पैसों की जरूरत थी तो उसने बिल 3 months का जो ड्यू था वो इमिजिएटली डिस्काउंट करवा दिया 12% पर एनम के हिसाब से। चलो इसकी एंट्री तो अलग ही आएगी जो मैं आपको सिखाऊंगा पीआर की एंट्री। अब मेन जो फिल्म है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अनूप फर्नीचर मार्ट पेड ₹7,000 फॉर फ्रेट एंड ₹4,000 फॉर वेजेस ऑन सेंडिंग द गुड्स। कंसाइनर ने कितना पे किया है, 7,000 फ्रेट का, 4,000 वेजिस का। पावर ब्रोस पेड ₹10,000 फॉर कस्टम ड्यूटीज वेजिस एक्सेट्रा। पावर ब्रोस कंसाइनी यहाँ पे कर रहा है 10,000, ठीक है, गुड्स के ऊपर, फिर वो कस्टम ड्यूटी वेजिस एक्सेट्रा सब कुछ आ गया, क्लियर। तो दो तरह के खर्चे यहाँ पे हो रहे, एक कर रहा है कंसाइनर 7 + 7,000 एंड 4,000 11,000, और कंसाइनी खर्चा कर रहा है 10,000। दोनों की जनरल एंट्रीज अलग अलग होंगी। अब यहाँ पे सेल की डिटेल आ चुकी है। पावर ब्रो सेंड एन अकाउंट सेल आफ्टर 2 months, 2 months के बाद, जो कि रिलेवेंट नहीं है आपको ये कितने मंथ्स के बाद भेज रहा है, स्टेटिंग क्या कर रहा है ये रिलेवेंट है। 35 कवर्स जो है 6,000 के हिसाब से उसने बेचा। अनदर अकाउंट सेंड आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद उसने वापस जो रिमेनिंग 5 कवर्स थे वो 5,500 के हिसाब से बेचा है, वो यहाँ पे उसने कमिट किया। द कंसाइनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन, और बाकी कमीशन जो भी थी उसकी माइनस करके जितना भी अमाउंट बचा वो कंसाइनी ने कंसाइनर को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अब बोथ द पार्टीज यहाँ पे बोला है तो आपको कंसाइनर के बुक्स के हिसाब से भी शो करने पड़ेंगे फॉर्मेट्स, और कंसाइनी के बुक्स के हिसाब से भी। लेकिन एग्जाम में आपको 99% कंसाइनर के हिसाब से ही आपको बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे मैं भी आपको वही करवाने वाला हूँ कंसाइनर के बुक्स के हिसाब से। तो ये आपका हो गया इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कौन है,
अनूप फर्नीचर मार्ट। ये तो आपकी जनरल एंट्रीज हो गई, यहाँ पे आप लिखते हो जनरल एंट्रीज। सबसे पहली जनरल एंट्री जो आपकी आती है वो आएगी हमेशा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और अनु फर्नीचर मार्ट जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को गुड्स जब भेज रहा है तो सबसे पहली एंट्री आपकी वो आती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट है तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि कंसाइनमेंट कहाँ का है, बॉम्बे का, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये कंसाइनी कौन है यहाँ पे, पावर ब्रोस, और पावर ब्रोस इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ कंसाइनी अकाउंट, और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का है वही नाम रहेगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्री आपकी आएगी वो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की अकाउंट की एंट्री आएगी, तो उसकी एंट्री होती है हमेशा बॉम्बे, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट समझ लो, बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या एंट्री आएगी, बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहली एंट्री आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री आई है वो इस तरह से। अब टोटल 40 कबर्ड थे जिसका प्राइस 4,000 ईच था, मतलब 1,60,000 का आपका वैल्यू हुआ गुड्स का। और उसकी लेजर पोस्टिंग आप किस तरह से करोगे, बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिख दीजिए डेबिट, यहाँ पे लिखोगे आप टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,60,000, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में आप लिखोगे बाय साइड बाय बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री आपकी आगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की। नाउ सेकंड एंट्री आप जो करोगे वो जो कंसाइनर एक्सपेंस करेगा गुड्स सेंट के दौरान उसकी एंट्री। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन था, अनूप फर्नीचर मार्ट, जिसने 11,000 पे किए वाइल डिलीवरिंग द गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप। तो यहाँ पे जो भी खर्चा होगा, जब भी खर्चा हो ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमारा बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट है, बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, इन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम कैश लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है उसने वाइल डिलीवरिंग गुड्स, 7,000 प्लस 4,000 टोटल 11,000। अब एक एंट्री कैश में आएगी, एक बॉम्बे कंसाइनमेंट के अकाउंट में आएगी। कैश तो हमने अकाउंट कोई मेंटेन कर नहीं रहे, तो बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे आप लिख दो टू कैश अकाउंट, इसमें आपका फ्रेट है वो 7,000 है और वेजिस 4,000। टोटल कंसाइनमेंट के दौरान खर्चा हो गया 11,000। तो सेकेंड एंट्री हमने किसकी की, सबसे पहले गुड्स
जो डिलीवर हो रहे हैं बॉम्बे कंसाइनमेंट में, उसकी एंट्री। सेकंड, उसके दौरान जो भी खर्चा आया उसकी एंट्री। थर्ड एंट्री जो आपकी आएगी वो बीआर की आएगी, बिल्स रिसीवर की। तो बीआर की टोटल दो तरह की एंट्री आएगी, एक जब बीआर एक्सेप्ट किया जाता है, सेकंड बीआर डिस्काउंट किया जाएगा। तो जब बीआर एक्सेप्ट किया जाएगा तो बीआर कौन दे रहा है? कंसाइनी दे रहा है। तो कंसाइनी यहाँ पे क्रेडिट होगा और बीआर क्या होगा? डेबिट। एंट्री किस तरह से आएगी? बीआर अकाउंट डेबिटेड टू पावर ग्रॉस अकाउंट कितना? 90,000। क्लियर? और इसकी लेजर पोस्टिंग होगी पावर ग्रॉस कंसाइनी के अकाउंट में बाय बीआर अकाउंट। कितना? 90,000 की बीआर थी, 90,000। अब इन्होंने यह भी कहा था कि बीआर जो है इमीडिएटली डिस्काउंट कर दी गई है और 12% पर एनम के साथ, और 3 मंथ्स जो कि यहाँ पे ड्यू डेट दी गई थी। बीआर कितने मंथ्स के लिए थी? 3 मंथ्स एडवांस, और जो कि इन्होंने इमीडिएटली डिस्काउंट कर दी थी। तो इमीडिएटली डिस्काउंट कर देने के बाद अगर बीआर आप बैंक पर डिस्काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, लेकिन बदले में आपको 12% पर एनम जो यहाँ पे दिया गया होता है, उतना अमाउंट डिस्क काट के आपको पैसा मिलेगा जितना मंथ्स आपने पहले पेट्रोल करती है अमाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ बीआर की, तो 90,000 का 12% जो कि पर एनम था, और 3 मंथ्स की तो थी डेट, तो 3 महीने पहले ही मैंने पेट्रोल कर दिया, तो टोटल 2,700। ठीक है, 90,000 का 12% कितना हुआ? 10,800 हुआ जो कि सालाना हुआ। तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 2,700। तो 2,700 जो था ये आपका क्या हो गया? बीआर डिस्काउंट, जो कि आपका एक्सपेंस है। तो आप एक्सपेंस जो भी होगा वो आप कहाँ लेके जाओगे? मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो एंट्री किस तरह की आएगी? कैश डेबिट बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर डेबिट थी वो क्रेडिट हो गया क्योंकि पूरा का पूरा हमने डिस्काउंट करवा ली। 2,700 जो हमारा एक्सपेंस होगा वो मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा, और रिमेनिंग जो हमारे पास कैश आ गए 87,300 वो हमारे बैंक अकाउंट में आ गए। तो यहाँ पे सिर्फ जो जनरल एंट्री करने की रहती है वो मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट में 2,700 की हमें जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बीआर डिस्काउंट। बीआर डिस्काउंट अकाउंट 2,700। क्लियर? ये भी बीआर की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी, कंसाइनी ने जो भी खर्चे किए हैं बिहाफ कंसाइनमेंट में, उसकी जनरल एंट्री आएगी। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो 10,000 उसने एक्सपेंसेस पे किए थे, तो यहाँ पे एंट्री आएगी। जैसे कि खर्चा है तो मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे कैश तो दे नहीं रहे तो क्या होगा? जिसने पे किया है, तो पावर ब्रोस ने पे किया है, तो पावर ब्रोस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम। कितना? 10,000। क्लियर? तो मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे लिखोगे आप टू पावर ब्रोस 10,000, और कंसाइनी अकाउंट जो कि पावर ब्रोस का है वहां पे आप लिखोगे बाय मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट।
कितना लगोगे? 10,000। क्लियर? नाउ हमने बीआर की एंट्री कर दी, गुड्स एंड और कंसाइनमेंट के अकाउंट की एंट्री कर दी, कंसाइनिंग ने जो एक्सपेंसेस किए उसकी एंट्री कर दी, कंसाइनिंग ने जो एक्सपेंसेस किए उसकी भी एंट्री कर दी। अब हमारे पास जो पार्ट रहता है वो सेल का पार्ट रहता है, तो हम सबसे पहले 35 कवर्स जो कि 6,000 ईच सेल किए हैं उसकी एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री। तो उसकी सेल की एंट्री किस तरह से आएगी? जो 35 कवर्स सेल की है तो पावर ग्रोस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमें पैसे किससे लेने होंगे? पावर ग्रोस। तो पावर ग्रोस एक तरह से हमारे लिए क्या हो जाता है? डेटर हो जाता है। और बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। जब आए थे तब हमने 160 डेबिट किए थे, अब जा रहे तो क्रेडिट करेंगे। और पावर ब्रश को क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि एक तरह से हमें उससे पैसे लेने, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? टेम्पर हो गया। तो 35 × 6,000 ये आपका आ गया 2,10,000। क्लियर? तो बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट में जो 4,000 गुड्स लाए थे हम, उसमें से हमने सेल कर दिए। पावर ग्रो से अभी हमें लेना है, तो हम यहाँ पे तो पावर ग्रो ही लिखेंगे 2,10,000। और पावर ग्रो से अपने अकाउंट में क्या लिखेगा? टू बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट। टू बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? 2,10,000। नाउ बाकी रिमेनिंग 5 कवर्स थे वो 5,500 में बेचे, सेम एंट्री पास करेंगे हम, सेम टू सेम, क्योंकि सेल की एंट्री है। पावर ग्रोस अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट 5 × 5,500 कितना हुआ? 27,500। क्लियर? और इसकी एंट्री इसी तरह से करेंगे, बाय पावर ग्रोस 27,500, यहां पे लिखेंगे टू बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना? 27,500। अब हमने सेल भी कर दिया है, तो अब हम क्या देंगे? कमीशन देंगे किसको? कंसाइनी को। तो कमीशन की एंट्री क्या आएगी आपकी? पहले मैं आपको जनरल एंट्री बता देता हूं, फिर कितना कमीशन कैसे देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो कंसाइनमेंट अकाउंट जो भी आपका रहेगा बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट, वो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और किसको कमीशन दे रहे? पावर ग्रोस को कमीशन दे रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पावर ग्रोस अकाउंट। कमीशन कैसे दोगे? टोटल आपने जितनी सेल करी 2,10,000 और 27,500, इन दोनों को ऐड करो। अब 5% हम कमीशन दे रहे थे, तो इसका 5% आप निकाल दीजिए, तो 11,875। इतनी हमने कमीशन उसको कंसाइनी को देनी है, सारे कवर सेल करती है उसके भी। हम हाँ यहां पे लिखोगे आप टू पावर प्रोस अकाउंट, यहाँ पे जैसे एक्सपेंस था तो एक्सपेंस लिख दिए, या कमीशन था तो हमें पता लग क्या क्या दे रहे हैं, तो 11,875। और कंसाइनी के अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या दिया हमने? कमीशन दिया कितना? 11,875।
क्लियर। तो यहाँ पे हमने सारी जनरल एंट्रीज कर दी हैं, वो सेंड की है उसकी जनरल एंट्री हो गई नंबर वन। सेकंड, कंसाइनर ने जो खर्चे किए उसकी एंट्री। थर्ड, बीआर की। फोर्थ, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए उसकी। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपकी जो रहेगी वो सेल की एंट्री थी। सेवन्थ जो सॉरी फिफ्थ जो थी आपकी ये बॉम्बे कंसाइनमेंट 10,000 की, वो कंसाइनी ने जो खर्चा किया उसकी एंट्री। सिक्स एंड सेवन सेल्स की एंट्री। एट्थ जो आपकी थी वो कमीशन की एंट्री थी। अब हमने सारी जनरल एंट्रीज पास आउट कर चुके हैं, अब हमें अकाउंट टैली करने हैं, और वो अकाउंट टैली करने के बाद जो जनरल एंट्रीज आएंगी वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, हो के आपने नोट डाउन कर दिया होगा। नहीं किया हो तो वीडियो फिर से एक बार रिवाइज करके रिवाइंड करके आप देख लीजिए। अब सबसे पहले हम अकाउंट टैली करेंगे कंसाइनी का। तो कंसाइनी का अकाउंट टैली करने के लिए कंसाइनी का डेबिट साइड का टोटल करिए। तो 2,10,000 प्लस 27,500, 2,37,500। क्लियर। अब जितना रिमेनिंग बैलेंस बचा वो हम करेंगे बैंक अकाउंट ड्राफ्ट, सीधा उसके कंसाइनर के अकाउंट में कंसाइनी पे कर देगा। माइनस 90,000, माइनस 10,000, माइनस 11,875, 125,625, और इसकी कोई भी इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगी। क्लियर। और इसकी जनरल एंट्री आप कैसे लिखाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा कंसाइनर का, और जो डेटर थे हमारे पावर ब्रोस एक तरह से वो क्रेडिट होके क्लोज हो गए। कितना? 125,625। तो ये तो हमारा कंसाइनी अकाउंट टैली हो गया। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट टैली करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट जैसे टैली करते हैं वैसे ही टैली करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए, 2,10,000 प्लस 27,500, आपका टोटल आ जाता है 2,37,500। और जितना भी बचा ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, जो आप सीधा लेके जाओगे अपने पीएनएल अकाउंट में। 2,37,500 माइनस 1,60,000 माइनस 11,000 माइनस 2,700 माइनस 10,000 माइनस 11,875, और टोटल आपका प्रॉफिट आया 41,925। अब ये प्रॉफिट की जनरल एंट्री आप कैसे दिखाओगे? बॉम्बे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ? 41,925, ये आपकी प्रॉफिट की एंट्री थी। एंड द लास्ट एंट्री, हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है उसकी रिवर्सल होती है, जो हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट किया था वही। लास्ट एंट्री जो हमारी रहेगी वो होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या किया था? हमने क्रेडिट करा था, उसको डेबिट करेंगे और उसको लेके जाएंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, फुल टू अमाउंट।
जितनी हमने क्रेडिट करी थी, क्योंकि सारे गुड्स हमने बेच दी है। और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री क्या आएगी, डेबिट साइड आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, इतना 1,60,000। तो हमारा टोटल ये रजिस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह से भी हम आगे सब करेंगे, चैनल पे बने रहना। सब समझ में आ चुका होगा, नहीं आया हो तो एक बार जरूर वीडियो रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।